बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद कासिम है और आज जो हमारा टॉपिक है वो है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन HBS AG। इसके हमारे पास आउटलाइन आते हैं तो इंट्रोडक्शन में हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन आता है, हेपेटाइटिस बी वायरस ओवरव्यू, स्ट्रक्चर ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस, फंक्शन ऑफ हेपेटाइटिस एंटीजन, हेपेटाइटिस एंटीजन एंड डायग्नोसिस, हेपेटाइटिस एंटीजन एंड डिजीज स्टेजेस, हेपेटाइटिस एंटीजन टेस्टिंग मेथड, हेपेटाइटिस एंटीजन एंड हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, हेपेटाइटिस एंटीजन क्लियरेंस एंड प्रेजिस्टेंस, हेपेटाइटिस एंटीजन एंड लिवर डिजीज प्रिवेंशन मेजर्स एंड कंक्लूजन। इसमें हमारे पास पहले आते हैं इंट्रोडक्शन टू हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। तो डिफिनीशन इसका क्या है? हेपेटाइटिस एंटीजन इज अ प्रोटीन फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस एंटीजन जो है वो हमारे पास प्रोटीन है, वो हमारे पास पाया जाता है हेपेटाइटिस बी सरफेस पे। इसका जो रोल है इंडिकेटर ऑफ एक्टिव HBV इन्फेक्शन, और इसका जो डिटेक्शन है इसमें डिटेक्शन आता है, डिटेक्शन यूज एंड डायग्नोसिस एंड आइडेंटिफाई HBV हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन। इसके हमारे पास डायग्नोसिस में भी जो हम आइडेंटिफाई करते हैं हेपेटाइटिस बी जो वायरस है इसकी इन्फेक्शन को। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? की मार्कर फॉर स्क्रीनिंग डायग्नोसिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ HBV। हम इसके लिए स्क्रीनिंग भी कर सकते हैं, डायग्नोसिस भी कर सकते हैं और मॉनिटरिंग किस चीज़ के लिए करते हैं? हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए। दूसरा हमारे पास आता है हेपेटाइटिस बी वायरस ओवरव्यू। इसका हमारे पास वायरस फैमिली जो है हेपेटाइटिस वायरस, और जीनोम इसका पार्शियली डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है इसमें। ट्रांसमिशन ब्लड जरिए से भी हो सकता है, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से भी हो सकते हैं एंड पेरेंटल से भी हो सकता है, बाई बर्थ जो बच्चा पैदा होगा उसको भी हो सकता है। ग्लोबल इम्पैक्ट इफेक्ट अप्रोक्सीमेटली 269 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइज वो इफेक्ट कर सकता है। स्ट्रक्चर ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस, इसके जो हमारे पास कंपोनेंट है आउटर लिपिड एनवेलप एंड इनर न्यूक्लियोकैप्सिड। जो इसका आउटर एनवेलप जो होता है और इसका जो इनर है वो न्यूक्लियोकैप्सिड से बना होता है। हेपेटाइटिस एंटीजन प्रेजेंट इन द आउटर लिपिड एनवेलप। इसका हेपेटाइटिस एंटीजन है जो हमारे पास आउटर एनवेलप में मौजूद होते हैं। इसकी जो अदर एंटीजन है हेपेटाइटिस एंटीजन ए एंटी सी एंटीजन और ई एंटीजन, कोर एंटीजन और ई एंटीजन, ये दो आते हैं। फंक्शन ऑफ हेपेटाइटिस एंटीजन क्या है? इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर इम्यून सिस्टम रिएक्शन होता है। वैक्सीन टारगेट बेसिस फॉर द HBV वैक्सीन। मार्कर फॉर इन्फेक्शन इंडिकेट करंट HBV इन्फेक्शन। हेपेटाइटिस एंटीजन एंड डायग्नोसिस, इसमें हमारे पास स्क्रीनिंग आता है, यूज इन ब्लड टेस्ट टू डिटेक्ट HBV। हम ब्लड टेस्ट जब करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि HBV इसको है, हेपेटाइटिस बी वायरस इसको है कि नहीं है। विंडो पीरियड डिटेक्टेबल विद इन 1 to 10 week पोस्ट इन्फेक्शन, ये देखते हैं 1 to 10 week पोस्ट इन्फेक्शन इसका। देखो क्रॉनिक इन्फेक्शन क्या है? प्रेजेंस फॉर मोर देन 6 month इंडिकेट क्रॉनिक HBV। 6 month इंडिकेट जो होते हैं क्रॉनिक HBV हेपेटाइटिस बी वायरस देखते हैं। हेपेटाइटिस बी एंटीजन एंड डिजीज स्टेजेस, एक्यूट इन्फेक्शन क्रॉनिक इन्फेक्शन इनएक्टिव कैरियर स्टेट। एक्यूट इन्फेक्शन में क्या होता है? शॉर्ट टर्म प्रेजेंस ऑफ HBS एंटीजन, मतलब यह कि वो शॉर्ट टर्म के लिए हो। और क्रॉनिक इन्फेक्शन प्रेजेंस बियॉन्ड 6 month, इसकी जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होता है। इनएक्टिव कैरियर स्टेट HBS एंटीजन पॉजिटिव विद लो वायरल रिप्लिकेशन, इसमें ये भी आता है। जब आपका HBS पॉजिटिव हो तो इसमें जो वायरल रिप्लिकेशन हो, इसका जो रिप्लिकेशन है वायरल जो रिप्लिकेशन होता है वो लो होता है। HBS टेस्टिंग मेथड, एंजाइम अमीनो एसिड कॉमन मेथड फॉर HBS डिटेक्शन। इसमें हमारे पास जो कॉमन मेथड है वो है एंजाइम अमीनो एसिड। कम्युनलेसेंट अमीनो एसिड इन्हांस सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी, ये हमारे पास इन्हांस करते हैं सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी को। रैपिड टेस्ट
क्विक रिज़ल्ट फॉर इनिशियल स्क्रीनिंग। क्विक रिज़ल्ट में हमारे पास ये क्या देता है, इसका जो रिज़ल्ट होता है वो बहुत क्विक और इनिशियल स्क्रीनिंग में ये बहुत क्विक रिज़ल्ट देता है। HBS एंड हेपेटाइटिस बी वैक्सीन कंपोजिशन और रिकॉम्बिनेंट HBS प्रोटीन इससे बना होता है। इम्यूनाइजेशन क्या होता है, इंड्यूस प्रोटेक्टिव इम्यूनो अगेंस्ट HBV हेपेटाइटिस बी वायरस। वैक्सीनेशन शेड्यूल टाइपिकली 3 डोज और 6 मंथ, 6 मंथ में आप 3 डोज लगाएंगे। HBS क्लियरेंस एंड रेजिस्टेंस, एक्यूट क्लियरेंस 90-95% ऑफ एडल्ट क्लियर HBS स्पॉन्टीन्यूसली। ये होता है क्रॉनिक जो कैरेज 5-10% डिवेलप क्रॉनिक HBV। सीरो कन्वर्सेशन, लूज ऑफ HBS एंटीजन एंड अपियरेंस ऑफ एंटी HBS एंटीबॉडी। ये होता है इसमें हेपेटाइटिस एंटीजन एंड लिवर डिजीज। लिवर कंपोजिशन कॉम्प्लिकेशन, क्रॉनिक HBV कैन लीड टू सिरोसिस एंड हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। ये सिरोसिस भी कास कर सकते हैं और हेपेटोसेलुलर जो लिवर सेल होते हैं इसको भी इफेक्ट कर सकते हैं। मॉनिटरिंग रेगुलर HBS एंटीजन टेस्टिंग टू एसेस डिजीज प्रोग्रेशन और ट्रीटमेंट में इसमें ट्रीटमेंट डिसीजन, HBS स्टेटस गाइड, एंटीवायरल थेरेपी, एंटीवायरल थेरेपी भी कर सकते हैं इसमें। प्रिवेंट मेयर्स वैक्सीनेशन इसका जो है वो प्राइमरी प्रिवेंशन मेथड है और स्क्रीनिंग रेगुलर टेस्टिंग इन हाई रिस्क पॉपुलेशन, हाई रिस्क पॉपुलेशन में आप रेगुलर टेस्टिंग भी कर सकते हैं स्क्रीनिंग के लिए। एजुकेशन अवेयर अबाउट ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंशन, आप इसकी आप एक इलाके में या आप कोई ऐसी जगह पे जाए वहाँ पे आप इसको लोगों का अवेयर करें कि यार HBS ये होता है, ये होता है। इसमें हमारे पास इसका जो इसके बाद कंक्लूजन आता है, सिग्निफिकेंस क्या आता है इसकी, HBS एंटीजन इज़ क्रूशल फॉर HBV डायग्नोसिस मॉनिटरिंग एंड प्रिवेंशन। ये आते हैं HBS इज़ क्रूशल फॉर HBV डायग्नोसिस, हेपेटाइटिस बी वायरस जो है इसकी डायग्नोसिस मॉनिटरिंग एंड प्रिवेंशन, पब्लिक हेल्थ इम्पेक्ट वाइटल इन रिड्यूसिंग HBV हेपेटाइटिस बी वायरस ट्रांसमिशन एंड कॉम्प्लिकेशन। इसके जो रिड्यूसिंग कम कर सकते क्या हम इसको कैसे कम कर सकते हैं और इसकी हमारे पास जो ट्रांसमिशन है कैसे ट्रांसमिट होता है और इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है और फ्यूचर डायरेक्शन एडवांस इन टेस्टिंग एंड वैक्सीनेशन स्ट्रेटजी। इसका यह है कि हम पहले से एडवांस में टेस्ट भी कर सकते हैं और वैक्सीन लगाए ताकि हम हेपेटाइटिस बी वायरस से बचें। ओके, थैंक यू सो मच।